क्या आपको पता है दुनिया की सबसे दो बड़ी स्पोर्ट्स वेयर कंपनी के ओनर सगे भाई हैं, और एक ऐसी मछली जो हवा में उड़ती है, पानी में तैरती है और जमीन पर चलती है, और इंडिया का ऐसा एक गांव जिसे दो देशों की नागरिकता मिली हुई है। ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स को जानने के लिए बने रहे वीडियो के एंड तक। एक रूबिक्स क्यूब में 43.2 क्विंटिलियन यूनिक परम्यूटेशन होते हैं। ये एक बहुत बड़ी संख्या है और ये एक कारण है कि रूबिक्स क्यूब इतना लोकप्रिय और चैलेंजिंग पजल है। यदि आप एक सेकंड में एक रूबिक्स क्यूब को सॉल्व कर सकते हैं तो आपको इसे सॉल्व करने के लिए लगभग 13.7 बिलियन ईयर्स का समय लगेगा। जापान एक ऐसा देश जहां अधिकतर लोग बूढ़े हैं। जापान में 60% से ज्यादा आबादी 65 साल की ऊपर की है। वही अगर हम बात करें सबसे युवा आबादी किस देश की है तो वो भारत है। भारत में 50% से ज्यादा आबादी 25 साल की उम्र की है। पानी में मछलियों को तैरना एक आम बात है, लेकिन क्या आप जानते हैं दुनिया में एक ऐसी मछली है जो पानी में तैरने के साथ साथ हवा में उड़ सकती है और जमीन पर भी चल सकती है। उस मछली का नाम है गर्ने फिश, जिसे फ्लाइंग फिश के नाम से जाना जाता है। ये मछली 50 मीटर तक ऊंची उड़ सकती है और कई किलोमीटर तक हवा में ग्लाइड कर सकती है। वे आमतौर पर महासागर में पाए जाते हैं। हमारे शरीर के लिए ब्लड बहुत जरूरी है, लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे शरीर के 3 अंग कॉर्निया, बाल और नाखून ब्लड सर्कुलेशन पर निर्भर नहीं रहते हैं। हम आमतौर पर नोकिया को मोबाइल फोन से जोड़ते हैं, लेकिन क्या आपको पता है इसकी शुरुआत 1865 में एक कागज बनाने वाले कंपनी के रूप में हुई थी। क्या आपको पता है कि ओलंपिक में जो गोल्ड मेडल दिया जाता है असल में उन्हें गोल्ड से नहीं बल्कि सिल्वर से बनाया जाता है। उसमें गोल्ड सिर्फ 6 ग्राम का होता है और बाकी सिल्वर। आपको जानकर हैरानी होगी कि आकाश से गिरने वाले बिजली का तापमान सूर्य के तापमान से 5 गुना ज्यादा होता है। यूएस के ओहायो शहर में हर साल एक ट्विन फेस्टिवल मनाया जाता है और इसमें सिर्फ जुड़वा लोग ही भाग ले सकते हैं। क्या आपको पता है कि हर साल थाईलैंड के लोग एक अजीब त्योहार मनाते हैं, जिसमें कि वहाँ के लोग बंदरों के लिए दावत रखते हैं और शहर के सभी बंदर इस दावत में आते हैं। आपने सुना होगा कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना अंतरिक्ष से दिखाई देता है। दरअसल ये सच नहीं है, ये एक मिथ है। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को अंतरिक्ष से बिना किसी सहायता के नहीं देखा जा सकता, जैसे कि दूरबीन या जूम लेंस। इंडिया के नॉर्थ ईस्ट नागालैंड स्टेट में लोंगवा नाम का एक गाँव जो कि म्यांमार और भारत के बॉर्डर पर है। क्या आपको पता है कि इस गांव के लोगों को दोनों देशों से नागरिकता मिली हुई है? क्या आप जानते हैं कि प्यूमा और एडिडास के मालिक एडोल्फ डसलर और रुडोल्फ डसलर वास्तव में सगे भाई हैं? प्यूमा और एडिडास दोनों प्रसिद्ध जर्मन स्पोर्ट्स वेयर कंपनियों ने 1920 में जूते बनाने के क्षेत्र में एक साथ अपनी यात्रा की शुरुआत की। 4 साल बाद 1924 में उन्होंने औपचारिक रूप से डसलर ब्रदर्स शू कंपनी की स्थापना की। हालांकि कुछ साल बाद उनके बीच मतभेद होने के कारण उन्होंने अलग होने का फैसला किया और वे अलग हो गए। 1948 में रुडोल्फ डसलर ने प्यूमा की स्थापना की, जबकि ठीक एक साल बाद 1949 में एडोल्फ डसलर ने एडिडास की स्थापना की। तो इस प्रकार इन दो विशाल स्पोर्ट्स वेयर दिग्गजों की शुरुआत हुई। तो दोस्तों, अगर आपको ये फैक्ट पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आपको इस तरह के फैक्ट जानना बहुत अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं। थैंक यू।